सीतामऊ पुलिस ने 24 घंटे के भीतर अंधे कत्ल का खुलासा किया है। दिनांक 1 दिसंबर को गोपाल नायक द्वारा अपने पिता मुन्नालाल नायक की हत्या होने संबंधी सूचना थाने पर दी गई थी। इस पर से थाना सीतामऊ ने मर्ग कायम कर लिया था और अज्ञात आरोपी के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। पुलिस अधिकारी शेर सिंह भूरिया ने सूक्ष्मता से घटना स्थल का निरीक्षण किया और प्राप्त सूचना और संदेह के आधार पर टीम को सूत्र प्रदान किए और सभी संदेहियों से पूछताछ करने के लिए थाना प्रभारी अमित सोनी और टीम सीतामऊ को निर्देशित किया। टीम द्वारा आसपास तलाशी ली गई और मृतक के पुत्र गोपाल नायक से पूछताछ की, जिसने पिता के उलाहनों से तंग आकर आवेश में अपने पिता की खुद हत्या करना स्वीकार कर लिया। पुलिस ने आरोपी गोपाल नायक से घटना में प्रयुक्त कुल्हाड़ी और खून से सने कपड़े आरोपी की निशानदेही से जब्त कर लिए। आरोपी को गुरुवार को न्यायालय में पेश किया जाएगा। दिनांक 1 दिसंबर को भवानगढ़ से सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की लाश उस खेत में पड़ी है जहाँ पर वो बटाई पर खेती करता था। सूचना पर से तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय गरौट का अवगत करवाया एवं थाना प्रभारी सीतामऊ की टीम के साथ मौके पर जाकर निरीक्षण किया गया, जहाँ पर कि मृतक की हत्या जो है उसका सिर कुचलकर और धारदार हथियारों से जो है चोट पहुँचाकर की गई थी। इस संबंध में जांच पड़ताल करते यह पता चला कि मृतक की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, न ही कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई विवाद था। सभी पहलुओं पर बारीकी से जांच करते पूछताछ करते अंततः यह कहानी निकल कर आई कि मृतक का बड़ा पुत्र गोपाल, जिसकी शादी को 10-12 साल हो गए थे और अभी तक कोई भी बच्चा नहीं था, इसी बात को लेकर मृतक उसे बार बार ताने उलाहने देकर अपमानित करता था। इसी तारतम्य में घटना की एक रात पहले भी मृतक ने अपने बेटे गोपाल को कहा था कि तू बच्चे पैदा करने लायक नहीं रहा है और उसको मेरे पास भेज दे। इस तरह से कुछ तो भी ऐसी बातें कहीं जो कि काफ़ी व्यवस्थित करने वाली बातें थी और ये सारा झगड़ा करके मृतक अपने खेत पर चला गया। पीछे से गोपाल भी वहाँ पर गया। इसी बात को लेकर दोनों में फिर से विवाद हुआ। इस पर से गोपाल द्वारा अपने पिता की पत्थर एवं कुल्हाड़ी से हत्या कर दी गई और चुपचाप वापस घर में आ गया था। इस चीज़ को गोपाल के द्वारा स्वीकार भी किया गया घटनाकारित करना और जो घटिया में प्रयुक्त कुल्हाड़ी भी उसके द्वारा जहाँ छुपाई थी और खून आलूदा कपड़े वगैरह सारे गोपाल की निशानदेही से जब्त किए गए।